नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश सचिव डेविड डिंगिया मिले जिलाधिकारी से। दलित वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अत्याचार उत्पीड़न पर कार्यवाही के लिए मिले। हाथरस जनपद में वाल्मीकि युक्ति कुमारी मनीषा को दबंगों द्वारा मारपीट कर उसकी जीभ काट कर उसे बयान देने योग्य भी नहीं छोड़ा। इस घटना को लेकर और सफाई कर्मचारी को दूसरे मुकदमे दायर कर 302 की धारा के तहत फंसाया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर मिले साथ रहे नरेश दिलोर प्रदेश महामंत्री डेविड प्रदेश सचिव डेविड ढींगिया फरमान खान की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। मैं डेविड ढींगिया प्रदेश सचिव राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। आज हम डीएम साहब के पास प्रदेश सरकार को ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो दिन प्रतिदिन जो वाल्मीकि समाज पर जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है इस पर जो है रोक लगाई जाए। आपने देखा होगा बदायूं के अंदर जो है श्रीमती शकुंतला देवी के अंदर दबंगों ने जो है मारपीट की है और अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही नोएडा के अंदर जो है शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर भी जो है प्रशासन ने जो है उन पर लाठीचार्ज किया। इस पर जो है एक वाल्मीकि समाज के लड़के की जो मृत्यु हो गई है। ऐसी हाथरस के अंदर भी कुमारी मनीषा जो है उसके साथ जो है बलात्कार किया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसके जो है जीभ काट दी गई जिससे कि वो बयान ना दे सके। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बरेली के अंदर जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ भी जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया और जो है वहाँ पर जो है धारा 302 लगाई गई। हम ये मांग करते हैं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से कि अगर इन सब पर इन सब अत्याचार जो वाल्मीकि समाज पर हो रहे हैं उस पर रोक ना लगाई गई तो समस्त भारत का जो वाल्मीकि समाज जो है सड़कों पर उतरकर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देगा। इसकी जो जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।